बाय, थैंक यू चिप्स के लिए। ये दो बंदे तुम देख सकते हो, सीट मेरी खुल नहीं रही है, पर जबरदस्ती इनको ये तोड़नी है। पहले टूटा ना कुछ, यहीं पे बांध दूंगा दोनों को। तार कट गई। चिल्लू गैंग के दो मेंबर चिल्लू। सो गुड इवनिंग गाइस, कैसी है अपनी पब्लिक? होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो बड़े होने चाहिए, मेरी दुआएं आपके साथ है और आपकी मेरे साथ होनी चाहिए। अभी अभी तुम्हें मैं मिलाता हूँ एक गंदे बंदे से, अभी तक सोया हुआ है, देखना। ओए, ये देख रहे हो, सारी रात फोन में घुसना है और सुबह 4 बजे तक उठना नहीं है। देख रहे हो, राजे ने चार्जर साथ रखा हुआ है ताकि दिक्कत ना हो। शक्ल दिखा ना अपनी, शक्ल दिखा। देख रहे हो, ये बंदा सारी रात फोन चलाता है और दिन को अभी 2 बज रहे हैं और ये अभी तक उठा नहीं है। अभी ये उठेगा, मुंह धोएगा, अभी ये खाना खाएगा और फिर दोबारा से फोन चलाने लग जाएगा। अभी भी फोन चला रहा है, सारी रात फोन चला के थकता नहीं है। तो फिलहाल अभी टाइम हो रहा है, 4 बज चुके हैं। तो आज 4 बजे के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। क्यों हो रही है? तो काम वगैरह का थोड़ा सा प्रेशर बढ़ चुका है, वो भी देखना पड़ता है। अगर काम ना देखूं तो फिर व्लॉग नहीं आ पाएंगे। व्लॉग क्यों नहीं आ पाएंगे? फिर अपनी KTM में पेट्रोल नहीं आएगा। अगर पेट्रोल नहीं आया फिर ट्रिप नहीं बजेंगी, ट्रिप नहीं बजी तो फिर व्लॉग नहीं आएंगे, है ना। तो अभी एक गुड न्यूज़ है, इब्रार हो चुका है ठीक, अभी वो आ रहा है मेरे घर पर। तो अभी मैंने सोचा है, पहले तो मैं उसे कुछ नहीं बोलूँगा, जब आएगा वो उसके बाद मैं उससे एक काम करवाने वाला हूँ। ये टेल टाइडी देख रहे तुम, ये मैं सोच रहा था कि उतार दूँ और कैसे उतारूँ, मैंने खुद ट्राई किया था, मुझसे तो उतरी नहीं थी। फिर मैं सोच रहा था शॉप पर जाके उतारूँगा, पर अभी शॉप पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी इब्रार आ रहा है, उससे मैं करवा लूँगा। वैसे वो बीमार है, उससे ज़्यादा काम नहीं करवाऊँगा। और एक और चीज़ गाइस, मैंने सुना है कि 1-2 दिन में लॉकडाउन लगने वाला है। अगर किसी को थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि लॉकडाउन लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो मेरी डेली की रूटीन एज़ यूजुअल देख रहे हो। अभी मैं खाना खाने जा रहा था तो मैंने देखा 2 छोटे छोटे छिल्लू घुस चुके हैं मेरे घर पर। छिल्लू गैंग के 2 मेंबर छिल्लू कौन है, पहचान रहे हो? इनमें से कौन लग रहा है? इब्रार कौन सा लग रहा है इनमें से तुम्हें, सच बताना, है ना? इब्रार वो है और पीछे वाला साकिब क्रिएशन है। साकिब ये तू है। सो फाइनली गाइस, हमारे पास पहुंच चुके हैं 2 दुनिया के महापुरुष। तो आपको कोविड तो नहीं हुआ है? सच बताना, फिर ही हाथ लगाऊंगा मैं। 20 हो गया मेरे को कोविड। तो मेहुल भाई क्या हालचाल? इसके साथ मत घूमो भाई, इसके साथ मत घूमो, कोविड हो जाएगा। मैं मेरे साथ घूमो, आ जाओ। तो यहाँ पे इन दोनों बंदों को मैंने लगाया हुआ है काम। तो इनसे ना 2 घंटे से ये चीज़ नहीं खुल रही है। बस सब कुछ दिया है मैंने इनको, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। सब कुछ दिया है, सब कुछ एक ग्लास दिया है। सीट ऐसे करके खोल रहे हैं उसकी। यार ये टूट गया क्या? ये तुमने डलते हैं? नहीं, ये पूरी बॉडी डलती है। नहीं यार, कर देंगे इसका भी लुक शुक लगा देंगे इसको फेविक्विक। यार एक काम करते हैं, सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि इब्रार को कोरोना हो गया। COVID-18 आज मेहुल भाई को भी होने वाला है। कौन सा अप्यूज निकला है वो क्या, मैं खुदी बताऊं? बस अब स्टार्ट भी नहीं होनी है, मुझे पता है। नहीं पता नहीं क्या, सीट मेरी खुल नहीं रही है, पर जबरदस्ती इनको ये तोड़नी है। पहले ही 2 क्लंप तोड़ चुके हैं ये, अब बंद नहीं होंगे मुझसे। अगर टूटा ना कुछ, यहीं पे बांध दूंगा दोनों को, याद रखना मेरी बात। नई बाइक ले लेंगे। क्या बात है, फिर तोड़ दो। फिर मेरे को चाहिए नहीं है। ये कौन सी बाइक है? मेरे को नई बाइक चाहिए। फिर आराम से इब्रार, इधर से टूट जाएगा ये, पता है? हिल गया। सच में यार टूट जाएगा, मजाक के अलावा। हम कौन सा मजाक कर रहे हैं? हिल गया। मैं सोच रहा था इसको Z900 बनाऊंगा पीछे से, बट मुझे नहीं लगता वैसा कुछ होगा। अब स्प्लेंडर बनेगी इसके बाद। ओरे, तार कट गई। अब कोई चक्कर नहीं, नई तार डाल देंगे। एक काम कर, बिजली की तार। तू मेरे को बता, नुकसान करने आया यहाँ पे? और क्या, मैं चाहता हूँ तेरी बाइक सड़ जाए। मेहुल थार में से पेट्रोल निकलता रहा। आग लगानी है। डीजल तो उधर जाना, हम इसको तेल डालेंगे थोड़ा सा। देख रहे हो, कभी कुछ तोड़ रहा है कभी कुछ। अभी इसने ना तार कट कर दी है। किसी को कान वान खबर नहीं चाहिए, कुछ हो गया ना, एक काम करेंगे तेल डालेंगे, चला देंगे, बोल के जल गई। खुद ही शॉट सुन रहा है यार, रोज साइड हो शॉट से। आराम से बाबा, ये क्या चीज़ है ये? जैसे तेरी नाक है वैसे ही इसका। ये मजाक ही लगा। एयर इंटेक है इसका यार। एयर इंटेक होता कैसे इसके अंदर अगर सीट इतनी बंद है? नहीं, यहाँ ऐसे जगह होती है इसमें, है कोई चांसेस? जब ये बंदा इसका जब पाचन तंत्र खराब होता है ना। नहीं कोई चांस है कोई खुलने का? नहीं तो मैं दुकान पे खोलूंगा भाई, नुकसान मत कर बस।
यार एक काम कर, हमसे ना खुलेगा ये। हाँ शाबाश, एक घंटा लगाने के बाद तोड़ ताड़ के ये बंद ही नहीं हो रही है। नहीं होगी बंद, सच में नहीं हो रही होगी। आवाज गूंज रही है इसकी, साले ऐसे जाएगी। आपको बैठेगा और आपको के पीछे आते, ये बंद बंद होगी। ये तो पहले का टूटा है। आमिर को दो, आमिर बंद कर दे। होगी है, बस ये इधर से है थोड़ा सा, बस हो ऐसे करके होती है। हाँ होगी 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 यार, नेट खुल के दोबारा होगी फिर। चला नहीं किया एक्चुअल में, तब सोचा नहीं था मैंने इतना। ये दोनों ने आके मेरा कर दिया नुकसान। मैंने हार भी नहीं लगाया, ऐसे नहीं होनी बंद। हाँ बोलता मैं करूँगा ऐसे कर। वाह हाथ ही नहीं लगाया, हाथ ही नहीं लगाया, क्या बात। तो ये बंदे करके जा रहे हैं मेरा नुकसान, और देख रहे हो काली कितनी पड़ी हुई है। नुकसान नहीं, नुकसान का भरपाई कौन करेगा अभी आगे। इसको त्रिकुटा नगर से लेके आया हूं, खुद भिंडी से आया, इसने झूठी बुला लिया मेरे को। मैंने इसको बोला तेरे लिए स्पेशल कुछ बनाया हुआ है तो आजा जल्दी, आया। मैंने सोचा इससे काम करवाता हूं बाइक का थोड़ा सा। मैंने बनाया, मैं नहीं आता। इसने बोला मम्मी ने बनाया, मैं तभी आया। मेरे को लगा मम्मी हर बार बुलाती है। दो दिन से मेरे घर पे कोई भी नहीं है गाइस, आप चोरी करने आ सकते हो। ओ ओ पीछे चोर खड़ा है, अभी बोलेगा, अभी बोलेगा कुछ। तो ये जा रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ इनको बैठो आज रात को महफिल वगैरह लगाते हैं। हाँ, ये मान नहीं रहे हैं। बारबी भी लेना है, बारबी भी लेके आता हूँ। पड़ा हुआ है शॉप पे, मिल जाएगा रखा हुआ है। मैं देसी लाऊंगा। कौन सा देसी? तुमको पता है यार, ये देखे जाओ ना यार, खा लो खा लो, यही चक्कर है, सब कुछ खाने के लिए उठा लेते हैं। क्या बात है, मैं सोच ही रहा था कि शॉप पे जाता हूँ तो मिल गया कुछ ना कुछ। काका का बोल गाना सुना। काका जी, काका सुबह 4 बजे सोया है और आज दिन को 4 बजे उठा है। शर्म ही नहीं कोई, सारा रात फोन चलाता है। गाने मिलते हैं आराम से, बाय बाय। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। बाय, थैंक यू चिप्स के लिए। सो गाइज, आज भी पूरा दिन घर पर ही निकाला। एक्चुअली मैं कहीं गए नहीं तो लेट ब्लॉग स्टार्ट किया था। थोड़ा बहुत जो कुछ हुआ वो आपके सामने पेश कर दिया है। पता नहीं आपको अच्छा लगा होगा कि नहीं लगा होगा, फिर भी अगर गंदा लगा है तो फिर भी कमेंट करके ज़रूर बताना। सभी यही बोल रहे हैं कि थोड़ा कम घर से बाहर निकलो, एक तो ठंड काफ़ी ज़्यादा है और ऊपर से कोविड वगैरह के भी है सीन। तो मैं भी 2 दिन से कहीं नहीं गया हूँ, घर पर हूँ 2 दिन से। बस जो थोड़ा बहुत काम होता है वो करके आता हूँ, घर पर ही बैठा हूँ और घर वाले इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो अभी देखते हैं कल का क्या सीन रहता है क्या नहीं। वैसे कल तो जाना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं, मुझे पता है आप सबको मज़ा नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, जहाँ तक मुझे लगता है। बट फिर भी कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसा लग रहा है ये सब देखते हुए। ये एक्चुअली में एक किस्म की ना प्रैक्टिस हो रही है कि आने वाले टाइम में जब टोटली लॉकडाउन हो जाएगा उसके बाद कैसी लाइफ जाएगी। अच्छी वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखो और आप भी घर से बाहर थोड़ा सा कम ही निकलो। हफ्ते में 2 दिन बाहर जाओ या फिर 3 दिन, ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगा। और मास्क लगा के प्रॉपर और लोगों से थोड़ी सी दूरी बना के, है ना। तो थैंक यू सो मच। एंड सुबह सुबह 2 भाई मेरे पास आए थे घर पर, उन्होंने मेरे लिए स्टिंग लाई। भाई थैंक यू सो मच, बट इतनी प्यार करते हो इतना ही बहुत है, इतनी दूर से आना और अच्छा नहीं लगता। बट थैंक यू सो मच, बस दूरी बनाए रखो और मास्क लगाओ, सैनिटाइजर यूज़ करो। ओके, तो बाय बाय, मिलते हैं कल एक अच्छी।